आप समझते क्यों नहीं है हितेश, वह मेरी दोस्त ही नहीं मेरी बहन जैसी है। इतना बड़ा जुल्म हो गया है उसके साथ, आपको ज़रा भी एहसास है? मैंने अपने पति को शर्मिंदा करने की कोशिश की, वह कहने लगे देखो यह किसी तौर पर भी सही नहीं है, लोग क्या कहेंगे, कभी यह सोचा है तुमने? हितेश की बात सुनकर मैंने कहा, लोगों को तो आदत है बातें बनाने की, तो क्या हम जीना छोड़ दें? मैं कुछ नहीं जानती, मैं ऐसे मौके पर अपनी दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकती, वह कोने में पड़ी रोएगी, वह किसी से कुछ नहीं कहेगी। मैं हितेश को हर मुमकिन तरीके से राज़ी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह थे कि अपनी बात पर अटल थे, कहने लगे नहीं समीता, मुझे यह बात सही नहीं लग रही, इंसान की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, बस इस बात को यहीं ख़त्म कर दो, मैं अब इस पर बहस नहीं करना चाहता। इससे पहले कि वह ऑफिस जाते मैं उनके पास गई और अपने दोनों बाजू उनके गले में डाल दिए। मैं जानती थी कि मोहब्बत से कैसे हितेश को राज़ी करना है। उनकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी लगावत से बोलने लगी, प्लीज़ हितेश मान भी जाओ, ऐसी भी क्या बेबसी है, मैं कह तो रही हूँ आपसे उसके आने से हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपना सर हितेश के सीने पर रख दिया था, वह मेरे सर सहलाने लगे, कहने लगे एक तो तुम मेरे साथ लगकर अपनी हर जायज़ नाजायज़ बात मनवा लेती हो, देखो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता, तुम जानती हो ना जो मुँह में आता है लोग कहते हैं, बड़ी ही मुश्किल से मैंने अपनी इज्जत कमाई है। मैंने कहा कि आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, आज भी नहीं आने दूंगी, मेरा वादा है आपसे। मैं जानती थी कि मैं हितेश के दिल में धड़कनों में के साथ बसती हूँ, हम पति पत्नी में बेतहाशा मोहब्बत थी, एक दूसरे पर भरोसा भी बहुत था, हालांकि हमारी लव मैरिज नहीं थी अरेंज मैरिज थी, लेकिन शादी का रिश्ता ही शायद कुछ ऐसा होता है, पति पत्नी में प्यार हो ही जाता है। फिर हम अकेले रहते थे, मेरी सास ने शादी होते ही हमें अलग कर दिया था, कहती थी कि मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहू को अपनी सेवा करने के लिए लाती हो, तुम लोगों की अपनी ज़िंदगी है जैसे चाहे जियो। वह खुद भी बड़ी जिंदा दिल किस्म की औरत थी, मेरे ससुर को उस उम्र में भी खुद ही सब कुछ पका कर देती थी, उनका घर हमारे घर से कुछ दूरी पर ही था। हितेश तो और मैं राजी कर चुकी थी, इसलिए उसके जाते ही गीतू को फ़ोन किया था, वह अभी भी रोए जा रही थी। मैंने कहा क्या हुआ है तुम्हें, कहने लगी मेरी भाभी ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है, बस मैंने सोच लिया है समीता मैं जहर खा लूँगी या फिर पंखे से लटक कर अपनी जान दे दूँगी। हालांकि वह लोग जानते थे कि सारा कसूर नीरव का था, मैंने तो बहुत ही कोशिश की उसके साथ ज़िंदगी गुजारने की, लेकिन वह गुस्से का बहुत तेज़ था, बात बात पर डाइवोर्स की धमकी देता रहता था। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की थी, लेकिन उसने फिर भी मुझे डाइवोर्स दे दिया। मैंने उसे यहाँ तक ही कहा था कि मेरे माँ बाप की भी जिंदा नहीं है, ईश्वर के लिए मुझे किसी कोने में पड़ा रहने दो, लेकिन ना ही उसने मेरी एक सुनी। तुम बताओ क्या औरत सिर्फ मर्द के जुल्म बर्दाश्त करने के लिए ही रह गई है? बहुत मारता था वह मुझे, यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने हितेश को राज़ी कर लिया है, बस मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, तुम अपना सामान बांध लो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें अपनी भाभी के सख्त रवैये से तंग आकर हराम मौत को गले लगाने की। मैं हूँ ना तुम्हारी दोस्त, मैंने दोस्ती का हक अदा करते हुए उससे कहा था। वह कहने लगी जिसकी दोस्त तुम जैसी हो उसे सारे रिश्ते की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी एक साल ही हुआ था गीतू की शादी को कि उसके पति ने उसे डिवोर्स दे दिया था। गीतू बहुत ही अच्छी थी, उसने बहुत निभाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी इस काबिल ही नहीं था, बहुत मारता था गीतू को, बहुत जुल्म करता था और अब डिवोर्स भी दे दी थी। उसकी भाभी बहुत ख़राब थी, हर वक्त उसे ताने देती रहती थी, तुम खुद तो अपना घर बसा नहीं सकती, अपनी दोस्त की बातों को सुनकर बहुत परेशान थी, इसलिए अपने पति को राज़ी कर लिया कि मैं गीतू को अपने साथ रखना चाहती हूँ। मैंने गाड़ी की चाबी पकड़ी और गीतू को लेने चली गई। मैंने उसकी भाभी से कोई बात नहीं की, वह अभी यही कह रही थी कि कसूर गीतू का ही था। मैंने बस गीतू का सामान पकड़ा और उसे अपने साथ ले आई। हमारे घर में 5 कमरे थे, एक रूम मैंने गीतू को दे दिया, वह मेरी बहुत शुक्रगुजार थी। जब से गीतू आई थी मेरी ज़िंदगी में तो सुकून आ गया था, धीरे धीरे उसने घर की बहुत सी जिम्मेदारियां उठा ली थी और मुझे अकेलेपन का एहसास भी नहीं होता था। मैं मुझसे बातें भी करती रहती थी और घर के कई काम भी करवा देती थी, लेकिन एक हितेश थे कि उनके माथे के बल ही ख़त्म नहीं होते थे। जब तक गीतू हमारे साथ बैठकर खाना खाती रहती, वह माथे पर तेवर या चढ़ाए खाना खाते रहते। गीतू बहुत बातूनी किस्म की लड़की थी, रात देर तक मुझे अपने कमरे में बैठाकर बातें करती रहती, आज भी अपने
अपने पति की बेरुखी को याद करके रोए जा रही थी। मैं रात के 12 बजे तक उसे तसल्ली ही देती रही कि वह पुरानी ज़िंदगी को भूल जाए, अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में सोचे। तो वह कहने लगी, उसने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी कभी भी कोई बाहर नहीं आ सकती। मैंने कहा, ऐसी कोई बात मत करो। उसे तसल्ली देकर जब मैं कमरे में गई तो हितेश बड़े गुस्से से मुझे घूर रहे थे। घड़ी की तरफ देखकर कहने लगे, वक्त देखा है तुमने, क्या हो रहा है? यह वक्त है तुम्हारे कमरे में आने का। मैंने कहा, हितेश क्या हो गया आपको? पता है, वह रो रही थी। मेरे मुँहों से गीत का नाम सुनकर तो जैसे वह तब गए थे, किसी किताब को पढ़ रहे थे। उन्होंने उस किताब को गुस्से में बंद करके साइड टेबल पर पटक कर रखा था और खड़े होकर मेरे पास आ गए। कहने लगे, जब से तुम्हारी यह दोस्त आई है हमारी प्राइवेसी ही खत्म होकर रह गई है। मैं तो खुलकर तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकता। और यह किसी हद तक सच भी था। हम दोनों अकेले ही तो घर में रहते थे, इसलिए रेश को तो जैसे खुली छूट मिल गई थी। मैं किचन में काम कर रही होती तो वह पीछे से मुझे गले लगा लेते, फिर तो उनकी शोकियाँ और गुस्ताखियाँ उर्ज कर हो जाती। मैं झुंझला लगती थी, कहती, हितेश आपको क्या हुआ है? किचन में तो मुझे सुकून से काम करने दिया करो। वह मुझे गोद में भर लेते और कमरे में ले आते। कहने लगते, जब पत्नी इतनी हसीन हो तो इंसान क्या करे। वह ऐसे ही थे, बेहद रोमांटिक किस्म के। उनका रोमांस तो कभी भी शुरू हो जाता था, कभी हॉल में बैठे बैठे उन्हें मुझ पर प्यार आने लगता, कभी किचन में। फिर सास ससुर भी साथ नहीं रहते थे, इसलिए उन्होंने कभी अपने बढ़ते हुए जज्बातों को रोका नहीं था। इसलिए गीतू की मौजूदगी उन्हें खल रही थी। मेरे पास आकर कहने लगे, जाओ जाकर नाइटी पहन कर आओ, बहुत हो गया। हितेश के इरादे भाप कर मैंने बेजार सी शक्ल बनाई। मैं सुबह से जागी हुई थी और अब रात का 1 बज गया था, मुझे नींद आ रही थी। मैंने कहा, हितेश प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। कहने लगे, मुझे एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, जाओ समिता तैयार होकर आओ। वह हमेशा अपनी ही बात मनवाने से के आदि थे, इसलिए मुझसे ही हार माननी पड़ती थी। सुबह छुट्टी थी और रात भर मुझे हितेश ने सोने ही नहीं दिया, इसलिए मैं देर से जागी थी। मैं उठकर बात लिया और कमरे से बाहर आई। सामने ही हॉल के सोफे पर गीतू बैठी हुई थी, आंसू बहा रही थी। मैंने एक ठंडी आँख भरी और उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि तुम अगर इसी तरह रो रो के अपनी ज़िंदगी को ख़राब करोगी तो तुम्हारे लिए जीना और भी दुश्वार हो जाएगा। कहने लगी कि मुझे तन्हाई से डर लगने लगा है, तुम कमरे से देर से बाहर आती हो तो मैं तन्हाई में मेरे दिल इन्हीं बातों को याद करता रहता है जो मेरे और नीरव के दरमियान हुई थी। मैं उसे तसल्ली देने लगी, फिर उसके साथ बातों में बिजी हो गई। हितेश ने मुझे आज बिरयानी खाने की फरमाइश की थी। गीतू भी किचन में आ गई, कहने लगी कि मैं बना देती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, हितेश को मेरे हाथ की ही बिरयानी पसंद है। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर मुझे देखती रही, फिर अपने कमरे में चली गई। मैं बिरयानी बना रही थी कि जब अचानक से किसी ने मुझे अपनी बाहों में गिरफ्त में ले लिया था। मैं एकदम बुरी तरह से डर गई थी, क्योंकि जब से गीतू आई थी हितेश की ऐसी हरकत कम ही देखते थे। आज वह कमरे में थी, मुझे अकेला देखकर हितेश अपने पुराने आदतों पर दोबारा लौट आए थे। मैंने धीरे से हितेश को डांटते हुए कहा था कि आपको चैन नहीं है, जाओ यहाँ से, अगर गीतू आ गई तो क्या सोचेगी, कितना बेशर्म है समिता का पति। मेरी बात सुनकर हितेश बजाय मुझसे दूर हटने के मुझे अपनी बाहों में जकड़े हुए थे। कहने लगे, इसलिए कहा था तुम्हें कि किसी को भी कबाब में हड्डी बनाने के लिए मत लेकर आओ, तुम जानती हो मेरी आदत को, मुझे आज़ादी पसंद है, तुम मेरी पत्नी हो और मुझे जब जब तुम पर प्यार आएगा मैं तो यूं ही बख्तियार उसका इजहार करूंगा। हितेश की शोकियाँ बढ़ाने लगती थी, उसे मना करना मुझे उस वक्त मुश्किल सा लग रहा था। बड़ी मुश्किल से ही मैंने उसे खुद से पीछे किया था, लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब किचन के दरवाजे के पास मैंने गीतू को खड़ा देखा। वह हक्का बक्का हम दोनों को देख रही थी। मेरी नज़रों के इशारों को देखकर हितेश ने भी जब पलट कर देखा तो वह नज़रें झुकाकर वहाँ से चले गए। मैं तो जितना भी शर्मिंदा हुई उतना ही कम था। मैंने कहा, हितेश आपने अच्छा नहीं किया, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। वह कहने लगे, मुझे क्या पता तुम्हारी दोस्त यहाँ भी आ टपकेगी, तुमने तो कहा था घर के कोने में पड़ी रहेगी, उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अब देख लो उसकी ज़रूरत को। जब से कि तू आई थी आज हितेश की पहली छुट्टी आई थी, वरना वह इस वक्त तो ऑफिस होते थे, इसलिए उन्हें यह मालूम ना था कि गीतू मेरे साथ किचन में काम करवाती है। हितेश वापस कमरे में चले गए, लेकिन मैं गीतू के सामने बहुत शर्मिंदा हो चुकी थी। बिरयानी बनाने के बाद जब मैं उसके कमरे में से उसे बुलाने गई तो चादर ओढ़ वह लेटी हुई थी। उसके सिसकियों की आवाज़ सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने कहा कि गीतू आओ खाना खाएंगे, तो वह कहने लगी, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, क्या क्यों भूख नहीं है, चलो आओ मेरे साथ। वह उठकर बैठी और कहने लगी, मैं यह सोचती हूँ मेरा कसूर क्या है, नीरव ने मुझे किस चीज़ की सज़ा दी है। मैंने कहा, बस भी कर दो यार, हर वक्त क्यों उस उदासी को आदमी को याद करके अपने आप को परेशान करती रहती हो। वह कहने लगी, एक औरत का बहुत मुश्किल हो जाता है, शादी के बाद यूँ अकेला
रहना। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ है, मुझे लगता है जैसे मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने कहा कि हितेश की बस आदत ही कुछ ऐसी है, उन्हें ज़रा भी लिहाज नहीं रहता। असल में हम दोनों अकेले जो रहते थे इसलिए, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। एक रात का पहर था जब मेरी आंख शोर से खुली थी। मैं एकदम उठकर बैठी तो हितेश की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे ही किसी को डांट रहे हों। मैंने हैरत हुई, रात के इस पहर में भला किसको कुछ कह सकते हैं। मैं फ़ौरन उठी, कमरे से बाहर आई तो हितेश किचन में खड़ा चिल्ला रहे थे। मैं फ़ौरन से किचन में गई तो वहाँ गीतू खड़ी थी, आंसू बहाए जा रही थी और हितेश उसको डांट रहे थे। यह देखकर तो मुझे बहुत हैरत हुई थी। मैं हितेश के पास गई, मैंने कहा क्या हुआ है। वह मुझे गुस्से से देखने लगे, कहने लगे समझा लो अपने दोस्त को, अपनी हद में रहे तो बेहतर है, बल्कि इसे कहो निकले मेरे घर से बाहर। ये कहकर हितेश गुस्से से किचन से बाहर निकल गया और गीतू रोए जा रही थी, कहने लगी मुझे इस घर में भी पनाह नहीं मिल सकती। मैंने कहा आखिर हुआ क्या है। कहने लगी कुछ भी नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं तो पानी पीने के लिए किचन में आई थी, पीछे से तुम्हारे पति आ गए। कहने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, पति पत्नी के साथ रहते हुए तुम्हारा कोई हक नहीं है यहाँ रहने का, इसलिए अपना कहीं और इंतज़ाम कर लो। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन वह बोलते चले गए। गीतू कहने लगी कि बस मुझे सुबह तक यहाँ रहने दो, जैसे ही सुबह होगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे यह सब बातें सुनकर हितेश पर बेहद गुस्सा आया था। मैंने कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे, हितेश से मैं खुद बात कर लूँगी। मैं अपने कमरे में चली गई। जब मैं अपने कमरे में गई तो हितेश काफ़ी गुस्से में थे, गुस्सा मुझे भी बहुत आ रहा था। उन्हें क्या हक था कि वह मेरे दोस्त को इस तरह से जलील करते। मैंने कहा कि अगर वह बेचारे अपनी मजबूरी के चलते यहाँ आ ही गई है तो अब क्यों उसका जीना दुशार कर रहे हो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा तुम मुझे उल्टा डांट रही हो, मुझसे लड़क रही हो। मैंने कहा हितेश बहुत हो चुका, आखिर आप उस बेचारी लड़की से क्यों इतनी नफरत करते हैं, क्यों उसे सुकून से रहने नहीं देते। मेरी बात सुनकर कहने लगे तुम्हें लगता है कि मैंने उसे ऐसे ही डांटा है। मैंने कहा 100% यही बात है, आपको वह शुरू से ही अच्छी नहीं लगती। मेरी बात सुनकर वह बड़े गुस्से से मुझे देखने लगे और कहने लगे निकालो उस लड़की को पहली फुर्सत में बाहर, अब मैं वाकई उसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे गुस्सा तो पहले से ही आ रहा था। मैंने कहा अगर वह यहाँ से जाएगी तो मैं भी चली जाऊँगी। मेरी बात सुनकर हितेश मुझे हैरत से देखने लगे, वह मेरे पास आए, मुझे गुस्से से कहने लगे उस लड़की के लिए तुम अपना घर बर्बाद करके जा रही हो। मैंने कहा हितेश वह मेरी दोस्त है और इस वक्त मजबूरी में यहाँ आई है, अगर आपने उसके साथ अपना रवैया नहीं बदला तो वह अकेले इस घर से नहीं जाएगी, मैं भी चली जाऊँगी। मैं जानती थी कि मेरा पति मुझसे बेहद मोहब्बत करता है, मेरे बगैर रह नहीं सकता। हितेश तो मुझे मायके तक नहीं जाने देते थे, इसलिए यह बात सुनकर वह खामोश से जाकर बेड पर लेट गए। मैंने भी सुकून का सांस लिया था, लेकिन उसके बाद तो जैसे काया ही पलट हो गई थी। हितेश ने अपना रवैया गीतू से ठीक कर लिया था, उसे माफ़ी भी मांग ली थी। यह देखकर मैं बहुत ही सुकून से हो गई थी कि कम से कम मेरी दोस्त को बेसहारा नहीं होना पड़ेगा। उसके बाद जो कुछ मेरी ज़िंदगी में हुआ वह एक नाकाबिले बर्दाश्त हकीकत थी। हितेश अब हल्की फुल्की बातचीत गीतू से करने लगे थे। एक बार घर पर आए तो उनके हाथ में शॉपिंग बैग थे, वह अक्सर मेरे लिए कुछ ना कुछ लेते रहते थे। उन्होंने वह दोनों बैग मुझे पकड़ाया, कहने लगे इनमें से एक तुम रख लो और एक अपनी सहेली को दे देना। हितेश की इस बात पर मैं तो जितना हैरान हुई उतना ही कम था, लेकिन मैं खुश भी थी कि चलो हितेश का एहसास तो हुआ कि गीतू भी इंसान है, उसके साथ भी अच्छा रवैया रखना चाहिए। मैंने कहा यह तो आपने बहुत ही अच्छा किया, उस बेचारी के पास वाकई कपड़े बहुत कम थे। कहने लगे कि फिक्र मत करो, अगली बार जाऊंगा तो और ले आऊंगा। अपनी दोस्त से पूछ लेना किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत है तो बता देना, मैं ले आया करूँगा। मैं हितेश के बदले रवैये पर बड़ी खुश हुई थी। एक बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार था, सिर में दर्द था, खाना मुझसे पकाया नहीं जा रहा था। मैंने गीतू से कहा कि वह खाना बना दे, मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द है। वह कहने लगी तुम आराम करो, मैं सब संभाल लूँगी। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई, शायद बुखार की वजह से मुझे गहरी नींद आ गई। रात का ना जाने कौन सा पैर था जब मेरी आँख खुली थी, मेरा गला प्यास की वजह से सूखा चुका था, लेकिन मेरे उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बंद आँखों से ही मैंने हितेश को पुकारा था, मैंने कहा हितेश मुझे प्यास लगी है पानी दे दो, लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला था। हालांकि वह तो मेरी एक पुकार पर उठकर बैठते थे, मेरी आँख बुखार की वजह से बंद थी। मैंने बेड पर हाथ मारा तो बेड खाली था। मैंने आँख खोली मगर हितेश बेड पर नहीं थे, बल्कि कमरे में ही नहीं थे। अगले दिन तो संडे था, मुझे लगा शायद हॉल में बैठे टीवी देख रहे होंगे। प्यास इतनी लगी थी मुझे सोया नहीं जा रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर कमरे से बाहर आई तो मुझे हॉल में बातें करने की आवाज़ आ रही थी।
मैंने आँख खोल कर देखा तो टीवी लगा हुआ था। हितेश और गीतू बैठे चाय पी रहे थे और साथ ही बातें कर रहे थे। यह देखकर मुझे हैरत ज़रूर हुई थी कि गीतू किसी बात पर हंस रही थी और हितेश भी मुस्कुरा रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, आ गई, तुमको एहसास हो गया कि सुबह छुट्टी है और तुम्हें मुझे वक्त देना चाहिए। मुझे हितेश की बात पर हैरत का झटका लगा था। मैंने कहा, मुझे इतना तेज़ बुखार है, आपको अपनी पड़ी है? यह सुनकर उन्होंने हैरत से गीत की तरफ देखा था, फिर उठकर मेरे पास आ गए थे। मेरे माथे पर अपना हाथ को रखा, बुखार का अंदाज़ा लगाने लगे। कहने लगे, ओह तुम्हें तो बहुत बुखार है। फिर गीतू को तरफ देखने लगे, कहने लगे, यह तो तुमने मुझे बताया नहीं कि स्मिता को बुखार है। गीत यह सुनकर कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन बनाई थी। कहने लगी कि मैंने आपसे कहा तो था, शायद आपने सुना ही नहीं। हितेश कहने लगे कि तुम कमरे में चली जाओ, मैं आता हूँ। मैंने कहा, मुझे प्यास लग रही है। कहने लगा, हाँ हाँ जाओ तुम कमरे में। जाकर दोबारा से बेड पर लेट गई तो हितेश जब कमरे में आए तो उनके हाथ में दूध का गिलास था। उन्होंने मेरे हाथ में दिया, कहने लगे, इसे पियो और मेडिसिन खाकर सो जाओ, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने दूध के साथ बुखार की मेडिसिन खा ली। मेरी आंखों में फिर से नींद उतरने लगी थी। मैं दोबारा से बेड पर लेटकर सो गई, लेकिन सुबह ही मेरे बुखार की शिद्दत कम नहीं हुई थी। मैंने आंखें खुली तो हितेश मेरे बराबर में सो रहे थे। मैंने कहा कि हितेश, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। तो उन्होंने ज़रा सी आंख खोली और गुस्से से मुझ पर चीखने लगे, कहने लगे, चैन नहीं है तुम्हें, सोने दो मुझे, जब उठूँगा तो ले जाऊँगा, दिमाग ख़राब करके रख दिया है, बुखार ना हुआ, मेरे सर का अजाब हो गया। पहली बार हितेश ने मुझसे इस लहजे में बात की, वरना तो वह मेरी ज़रा सी बीमारी पर परेशान हो जाता था, फ़ौरन से मुझे डॉक्टर के पास ले जाता था। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों में नमी उतरी थी। अगर मोहब्बत करने वाला पति अचानक से बेरुखी पर उतर आए तो पत्नी से बर्दाश्त नहीं होता। एक एक बुखार ने मेरी कमर तोड़ कर रख दी थी और दूसरा हितेश की रवैये ने दिल दुखाया था। मैं दोपहर को उठा था और फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गया। गुस्से में गाड़ी में भी मुझे बातें ही सुनाता रहा। कहने लगा, ज़रा सी बीमार पर तुमने बवाल मचा दिया है, अजीब आदत है तुम्हारी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। चंद दिनों में मैं ठीक हो गई थी, लेकिन बेतहाशा रवैया मुझसे बदल गया था। बात बात पर मुझे डांटने लगे थे। कभी कहता, तुम खाना ठीक से नहीं बनाती, तुम्हारे हाथ में वह जायका ही नहीं रहा। मैं तो हितेश के बदले रवैये को कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अचानक जो हुआ क्या था। पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं कहा था, हमेशा मेरे खाने की तारीफ करता था। कभी गलती से मुझसे नमक मिर्च तेज़ हो जाती तो मैं ज़रूर कहती कि आज पता नहीं क्या हुआ, मुझसे नमक कुछ ज़्यादा डल गया। तो वह कहता, कोई बात नहीं, पत्नी भी इंसान होती है, थोड़ा नमक तेज़ हो गया तो क्या हो गया, मैं खा लूँगा, वैसे खाना बहुत मज़े का, यह कहकर बात टाल जाता था। और आज मेरे अच्छे खासे पके खाने में वह कमियां निकालने में लगे था। अगले दिन जब मैं खाना बनाने लगी तो गीतू कहने लगी, तुम रहने दो, शायद बुखार की वजह से तुम्हारे मुँह का स्वाद खराब है, इसलिए तुम्हें समझ ही नहीं आता कि तुम खाना कैसे बना रही हो। मैंने कहा, ठीक है तुम बना दो। हितेश ने खाने की बड़ी तारीफ़ की। कहने लगा, गीतू ऐसा करो, आज के बाद तुम खाना बनाया करो, समिता तो शायद सब कुछ भूलती जा रही है। बात बस यहीं पर सीमित नहीं थी, अब तो हितेश अपने अक्सर काम गीतू से ही कहने लगे थे। एक बार जो मेरी आंख ने देखा मेरे होश उड़ने के लिए काफ़ी था। रात को मेरी आंख खुली तो हितेश मेरे बराबर में नहीं थे। आजकल मुझे नींद कुछ ज़्यादा ही आने लगी थी। गीतू मेरे भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, रात को रोज़ मुझे दूध पिलाकर ही सुलाती थी। कहती थी कि जब से तुम्हें बुखार हुआ है तुम्हारी रंगत पीली पड़ती जा रही है, तुम ज़रा भी अपना ख्याल नहीं रखती। मैं अपने दोस्त की वफादारी और मोहब्बत पर शक करना ही नहीं सकती थी, इसलिए दूध का गिलास पी लेती थी। दूध पीते ही मुझे नींद आने लगती और मैं सो जाती और रात को मेरा जी कुछ मचलने लगता रहता। मैंने बस आधा गिलास दूध का पिया और बाकी रख दिया। रात को मेरी आँख खुली तो हितेश कमरे में नहीं थे। मैं कमरे से बाहर आई, हॉल बिल्कुल खाली था। मैं हैरान हुई थी क्योंकि वह अगर कमरे में नहीं होते थे तो फिर हॉल में टीवी पर कुछ देख रहे होते थे, लेकिन हॉल भी खाली था। मैंने सारा कमरा देख लिया, हितेश कहीं भी नहीं थे, बस गीतू का कमरा ही बचा था और वहाँ वह तो कभी भी नहीं हो सकते थे। इसलिए पहले कि मैं अपने कमरे में जाकर हितेश के मोबाइल पर कॉल करती कि कहीं रात को अपने दोस्त के साथ तो नहीं चले गए, लेकिन जैसे ही मैं कमरे की तरफ बढ़ने लगी मुझे बातों की और हंसने की आवाज़ गीतू के कमरे से आई। मुझे तो लगा मेरे पैरों के नीचे से किसी ने ज़मीन खींच ली हो। हितेश की आवाज़ मुझे नीतू के कमरे से आई। मैं फ़ौरन ही उनके कमरे के पास गई। जिस तरह की बातें उनके बीच में हो रही थी मेरे होश उड़ गए थे। कमरे के बराबर ही खिड़की थी, मैंने ज़रा सी खोलकर देखी तो जो मंज़र मुझे देखने के लिए मिला, मेरी आँखों से टपक टपक आंसू बहने लगे थे। गीतू तो हितेश की बाहों में थी और वह उससे वैसे ही बातें कर रहे थे जैसे कि मुझसे करते थे, और वह उन बातों पर हंस रही थी।
मुस्कुरा रही थी। यह सब देखकर भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, मेरा तो रिश्तों से विश्वास ही उठ गया था। मैंने फ़ौरन से कमरे का दरवाज़ा खड़खड़ाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा हितेश ने खोला था, मुझे देखकर घबरा गए थे। मैं रोए जा रही थी। मैंने कहा, यह सब क्या है, आपको शर्म नहीं आती यह सब पाप करते हुए? मैंने रितेश को पीछे किया तो सामने नीतू खड़ी थी, अपनी नज़रें झुकाए। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और झंझोट के रख दिया। मैंने कहा, यह सिला दिया तूने अपनी मेरी दोस्ती का? मैंने कहा, दफा हो जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। उससे पहले कि मैं उसे धक्के देकर कमरे से निकाल कर बाहर करती, हितेश ने मेरे हाथ से उसका बाजू छुड़वाया था। कहने लगा कि गीतू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। मैंने कहा कि किस हैसियत से? कहने लगा कि मैं गीतू से शादी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा गीतू के बगैर गुजारा नहीं है। यह सुनना ही था कि बहुत तेज से लड़ने लगी। मैंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप कैसे पाप के रास्ते पर जा सकते हैं? कहने लगे कि बिल्ली के आगे दूध रखोगी तो वह उसकी रखवाली कभी नहीं करेगी। मैं तुम्हें बहुत समझा चुका था कि यहाँ पर किसी भी गैर औरत को मत लेकर आओ, तुम मेरा मिजाज से अच्छी तरह से वाकिफ थी। मेरे सामने तो एक खूबसूरत हसीन औरत को लेकर आई, मैंने बहुत चाहा कि मैं उससे दूर रह सकूं। मैंने शुरू में बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं अपना रवैया गीतू से बदल लूं। अब किस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है तुम्हें? वैसे भी वह बेसहारा है और तुम उसे घर में सहारा देना चाहती हो, तो वैसा ही सहारा दो जैसे देने का हक है। सारी ज़िंदगी बस यूँ हमारे घर में नहीं रह सकती, इसीलिए मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं गीतू से शादी करूँगा। मैंने कहा कि मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, ठीक है चली जाओ अपने घर में, मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स भिजवा देता हूँ। यह सुनकर मैंने तड़प तड़प कर हितेश की तरफ देखा था। वह कैसे मेरे लिए इतनी बड़ी बात कह सका था? वह तो मुझे बेतहाशा मोहब्बत करता था। कहने लगा, तुम्हारे पास तो तुम्हारा मायका है ना तुम्हें संभालने के लिए, लेकिन गीतू के पास कोई नहीं है, इसलिए मैं उसे किसी भी कीमत पर बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। मेरा सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया था, मैं बिल्कुल खाली दामन रह चुकी थी, पर अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। हितेश ने गीतू से शादी कर ली थी, मेरे सामने वह लोग बातें करते, मैं हितेश की शोक या छेड़खानियाँ मोहब्बत वैसे ही गीतू के साथ भी थी जैसे कभी मेरे साथ हुआ करती थी, लेकिन मैं घर के कोने में किसी गैर ज़रूरी सामान की तरह पड़ी रहती थी। कई कई दिन हितेश मेरे पास नहीं आता, हफ्ता हफ्ता गुजर जाते, मेरे लिए हितेश पे एक बेजारी सी सवार होती, जैसे ज़बरदस्ती मुझसे रिश्ता निभा रहे हैं। शायद उसकी वजह यह थी कि गीतू उससे ज़्यादा खूबसूरत थी और उसे अदाएँ भी बहुत दिखानी आती थी। गीतू को सहारा देने के चक्कर में मैंने अपना घर बर्बाद कर लिया था। फिर उसके भाभी से मुझे यह मालूम हुआ कि उसके पति नीरव में कोई भी कमी नहीं थी सिवाय उसके कि वह खूबसूरत नहीं था जैसे हितेश था। वह कहने लगी कि गीतू पहले तो नीरव के साथ बिल्कुल ठीक रहती थी, लेकिन जब से तुम्हारी शादी हितेश से हुई थी उसका रवैया अपने पति से बदलने लगा था। वह तो तुम्हारे पति पर शुरू से ही नज़र रखे हुए थी, लेकिन तुमको ये अकल नहीं थी। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई, मतलब गीतू जो कुछ किया था एक प्लानिंग के तहत किया था, मेरे पास आंसू बहाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच गया था। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जो गलती मैंने की आपसे कोई भी गलती ना हो, कभी ऐसी गलती ना करे। क्या हितेश ने गलत किया था या फिर मैं गलत थी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं एक अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।